शांति। आज 4 नवंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली, ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा की बच्चों के साथ रूरिहान है। आज विशेष बाबा कहे, जो पितावृता बच्चे होते हैं वो सपूत होते हैं, बाबा की हर श्रीमत का पालन करते हैं और सदा सर्विस में तत्पर रहते हैं। अव्यभिचारी एक बाप की याद में सदा रहते हैं, साथ ही साथ अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। उनके जीवन में धारणा बहुत अच्छी है, उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहते हैं और बुद्धि रूपी बर्तन को पवित्र बनाया है। वो कभी भी बाप को फारगति नहीं देते हैं, उसको कहेंगे पिताव्रता। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं, बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। बेहद का लायक अर्थात बेहद की भावनाओं से लायक बनाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, पितावृता किसे कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, पितावृता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात को धारण कर सकेंगे, उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे, उनकी बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है, वह कभी भी फारगति नहीं दे सकते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहे, बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसे शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान सिख व प्रेम से उपस्थित है, वो ही अंदर में शुक्रिया मांगते हैं। क्या कहते हैं, बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको क्या बना दिया था, माया ने सबको न लायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नरक का लायक कौन बनाते हैं। वह तो समझते हैं, दुनिया के लोग तो समझते हैं कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं बाप, नहीं तो वहां के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हैं, मनुष्य खुद भी कहते हैं, हम पतित है, ये दुनिया ही पतित है, साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है, कायदा भी है, बाप को ही आकर परिचय देना है, यहां ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहां बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों। अगर शिव बाबा परमधाम में बैठ करके ही सबको लायक बना सकते, फिर तो बाबा का इतने नालायक बनते ही क्यों। तुम बच्चों में भी
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। सबका निश्चय एक जैसा तो नहीं है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए, यह भी अकल होना चाहिए, यह भी समझ होनी चाहिए। शिवाय नमः भी जरूर है, वही माता पिता ऊंचते ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा, माँ भी होनी चाहिए, बच्चों को क्रिएट करने वाला बाप भी होना चाहिए और माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर तो एक है जरूर। निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले पहले तो परिचय देना पड़े अलफ का। सबसे पहले तो सबको बाप का ही परिचय देना पड़े। यह युक्तियुक्त परिचय कैसे दिया जाए वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया, वह तो भगवान कौन है? पहले अलफ की पहचान देनी है, वह भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसी के द्वारा तो समझाएंगे ना। जब है निराकार तो बाबा के किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाए? सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया? हेवन का रचयिता कौन है? जरूर हेवनली गॉड फादर ही होगा। वह निराकार होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, न श्री कृष्ण को फादर कहेंगे, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वह भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? कितनी सिंपल बात बाबा ने कही। जब सूक्ष्म वतन वालों को ही रचा जाता है, वह भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? गाया जाता है देवताए नमः, वह है शिवाय नमः। मुख्य है ही यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। प्रदर्शनी में तो बहुत देर तक नहीं समझा सकते, इतना समय नहीं होता, लेकिन जब कोर्स कराते हैं तो बाबा कहे अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले ये बताना है। क्या बताएंगे? कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराए, फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाप ही गीता के भगवान है। नंबर वन बात है यह। श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है, रुद्र भगवान वाच व सोमनाथ शिव भगवान वाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है। एक न मिले दूसरे से, तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है। परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है, वह बाप है, ये बच्चा है, वह हेवनली गॉड फादर है, यह हेवनली प्रिंस है। बाबा कहे श्री कृष्ण और परमात्मा दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करना पड़े, ये बाप है, ये बच्चा है, वह हेवनली गॉड फादर है, ये हेवनली प्रिंस है, ये बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र है। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो,
अरे हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्र को थोड़ी मानेंगे, हर एक अपने अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, दुनिया के सारे धर्म शास्त्र को थोड़ी मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र है जरूर, परंतु शास्त्र को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना, जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है? उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। भगवान को आकर पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बाप का परिचय दे और ये लिखाओ बरोबर, मैं निश्चय करता हूं कि हमारा बाप है। हाँ, सारा परिचय देने के बाद बाबा कहे लिखाओ कि मैं निश्चय करता हूं ये हमारा बाप है। पहले पहले समझाना है शिवाय नमः। जब परमात्मा का परिचय बुद्धि में क्लियर होगा, तब तो आगे की उनकी दी हुई ज्ञान की बातों को भी अच्छी तरह समझेंगे। तो पहले पहले समझाना है शिवाय नमः। तुम मात पिता हम बालक तेरे, महिमा भी उस बाप की ही है। भगवान को भक्ति का फल भी यहां आकर देना है। भक्ति का फल क्या है यह तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह है। जगत अम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं। ईव को मदर कह देते, राइट वे में ईव कौन है ये तो कोई जानते नहीं। बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएंगे, पढ़ाई में टाइम लगता है। पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है, देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, और दूसरा फिर कहते हैं, एक तो कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, और दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? बाबा पूछते हैं, क्या ऐसे आसार दिखते हैं कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा, भला पावन बनाने वाला तो वह एक बाप है ना, हेवन स्थापन करने वाला है गॉड फादर। श्री कृष्ण तो हो ना सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है। श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है। वह है क्रिएशन, फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। दोनों बातें बाबा कहे स्पष्ट करके लिखनी चाहिए, रचयिता कौन है रचना कौन है, और उनका भेद पूरा बताना चाहिए। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखाते हैं। वह कोई राजा नहीं है, वह राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है, उसने ही गंवाया है, उनको ही फिर पाना है। चित्र द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से
भारत क्या बन गया? बाबा कहे, भारत कौड़ी जैसा बन गया है। शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है, परंतु जब बुद्धि में बैठे कि यह हमारा बाप है। बाबा कहे, शिव बाबा को यथार्थ रीति से जब समझे यह हमारा बाप है, तब ये भारत भी परिवर्तन होकर कौड़ी से हीरे जैसा बनता है। बाप ने पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची, अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में है राजयोग, विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखे, गीता से ही सीखे हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं, फिर फादर कौन है? बाबा कहे, अभी हमने समझा है तो कोशिश करते हो औरों को भी समझाए कि फादर कौन है। वह सर्वव्यापी नहीं है, फादर कहा तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मन मना भव हो रहे, पति व्रता व पिता व्रता बने। बच्चों के प्रति बाबा की आज्ञा है, श्रीमत है कि पति व्रता व पिता व्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने, ये बाबा की चाहना है। बाप फरमान करते हैं, जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, न बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए, इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। पिताव्रता माना अव्यभिचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल जानते नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे भल यहां हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह भी ऐसे है, सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं। जैसे छोटे बच्चे की अगर सगाई भी हो जाए तो कुछ भी समझते नहीं। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते, वंडर है ना। 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है, तो पहले पहले सुनाना चाहिए। क्या सुनाएंगे? शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता यह है, ज्ञान का सागर ये शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग है। पहली बात यह जब समझाओ तब कपाट खुले। और पढ़ाई है भविष्य के लिए, ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं दुनिया में, ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं। शास्त्र से यह अनुभव नहीं हो सकता, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं। वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हैं। बाबा कहे,
जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में कौन है? ब्रह्मा बाबा। फिर ब्रह्मा मुख वंशावली है। आप ही पूज्य भी यह बनते, पहले नंबर में पूज्य ही फिर पहले नंबर में पुजारी बने फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं, ये कहां लिखा हुआ नहीं है? भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। ये समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। अभी तक यथार्थ शिव बाबा को जाना नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कोई ताकत है। बाबा देखते हैं ये सब मेरे बच्चे हैं, इन आंखों से ही देखेंगे, ब्रह्मा बाबा की आंखों से ही देखेंगे। जैसे पितृ श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है ये फलाना है, खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसी बन जाएगी। टेम्पररी लोन लेते हैं, ये भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए, उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे, वह तो कम पास हुए है ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं, उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती है। इतनी वंडरफुल बातें हैं। गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता, इतना माताओं का झुंड संभालना है इसलिए साधारण तन लिया है। बाबा ने साधारण तन लिया है जिससे खर्चा चलता रहे। शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है, और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उन्हों की भी संभाल होती आती है। यह तो बच्चे ही जाने। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो, बाबा कहे जब किसको समझाना शुरू करो तो बोलो शिव भगवान वाच, वह सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते? लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है। बड़ी अच्छी समझानी है। पहले ये सिद्ध कर बताना है श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको भूल गए हैं। कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है। सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा, बाबा कहे इतनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान आकर हमको विश्व का मालिक बनाता है, तो खुशी नहीं रहती तो बाबा को भी कितना वंडर लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अव्यभिचारी पिता व्रता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप का युक्तियुक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अलव को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्व परिवर्तन द्वारा
विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना है, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। आज का स्लोगन है, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। सारा दिन हमारी एनर्जी किसमें वेस्ट जाती है? एक तो संकल्पों की एनर्जी व्यर्थ, जब सोचने लगता तो कितनी वेस्ट जाती है, बोल व्यर्थ चलता है तो कितनी एनर्जी वेस्ट जाती, और जब संकल्प और बोल व्यर्थ जाता है तो उतना समय भी वेस्ट जरूर जाता है। इसलिए शिव बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे समय, संकल्प और बोल को यथार्थ रूप से समझते हुए उसकी एनर्जी को वेस्ट नहीं जाने, क्योंकि जितना व्यर्थ और नेगेटिव चलाते रहेंगे उतना वेस्ट होता रहेगा और फिर उसको जमा करने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए व्यक्ति मानसिक रूप से भी कमजोर हो रहा है, बोल में भी वो शक्ति नहीं रही है, जो बोलता है कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और फिर उसको ठीक करने में भी उसको वापस समय लगाना पड़ता है, फिर भी ठीक नहीं होता है। पर रिश्ते मनुष्य के आपसी यही नेगेटिव विचार और बोल से बिगड़ते जाते हैं। इसीलिए बाबा कहे उसको वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर। जब ये वेस्ट से बेस्ट में चेंज हो जाएंगे तो धीरे धीरे अपने अंदर शक्ति जमा होने लगेगी और हम शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।